नहर में इतनी ठंड में जो भैंस गिर गई है किसी की, और अभी गांव वाले भाई आ रहे हैं, मैंने उनको फोन किया है, देखते हैं कितनी जल्दी इसको रेस्क्यू किया जाता है। ये बड़ी गंगकनाल नहर है, इसमें गलती से ये भैंस जो है गिर गई है, और अब इसका रेस्क्यू ऑपरेशन जो है शुरू करेंगे हमारे गांव वाले भाई जल्दी से। वो रस्सा लेने के लिए आ रहे हैं, जितने भी बंदे आते हैं मैं आपके साथ वीडियो जो है शेयर करूंगा जल्दी से जल्दी। ये देखो जी, ये हमारे गांव बोदीवाड़ा पिथा की भैंस है जो बोदीवाड़ा पुल से गिर गई थी, और हमारे गांव के लड़कों ने और बाकी जो भाई है यहाँ के आसपास के गांव के सभी लड़कों ने इतनी धुंध के अंदर, आजमवाड़ा के लड़के भी हैं, इतनी धुंध के अंदर इस बड़ी नहर से, ये देखो पास में गंगकनाल नहर है, इस बड़ी नहर से जो है इस भैंस को निकाला है। और कम से कम 8 किलोमीटर यहाँ पे जो भी लड़के खड़े हैं वो पैदल आए हैं भैंस के साथ में, और बाकी मैं जो भाई हैं उनसे बात करवाता हूँ कितनी दूर से पैदल आए। जी आजमाड़े, कौन सा गांव है? आजमाड़ी गांव। और ये भैंस कहाँ से पड़ी थी? बोदीवाड़ा। ये देखो बोदीवाड़ा की भैंस है, और ये देखो अभी इसको तपा रहे हैं आग जगा के, और बाकी जो भाई है इनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मतलब इस भैंस को निकालने में मदद की है। और देखो जान की कीमत ये होती है, अभी इतनी ठंड में अब माइनस टेम्परेचर है यहाँ पे, इतनी सारी धुंध है, फिर भी इन लड़कों ने हौसला करके, जितने भी भाई है अपने, इन्होंने हौसला करके इस भैंस को निकालने में मदद की है, और आज ये भैंस जो है बच गई है। और ये जो है ये अकेली नहीं है, ये इसके ये जो है अभी ब्याने वाली है, आप समझ रहे हो ना, अभी ये अभी एक दो महीने में ब्याने वाली है, दो बच्चे थे देख लो आप, एक ये हो गया, एक इसकी जान हो गई, एक इसके पेट के अंदर है, तो जान बचा ली गई है। और सभी भाइयों का धन्यवाद, ऐसे ही है ना, कोई भी पशु हो चाहे बोल ना सके पर उसको निकालने का पूरी कोशिश किया करो। अगर हमने आज छोड़ दी होती तो 8 से 10 किलोमीटर जो हम यहाँ पे आए हैं पत्रेवाड़ा पुल के पास में इसको निकाला है, तो ऐसा कभी नहीं होता। तो इन सभी भाइयों का धन्यवाद, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।